मुंबई की कांदिवली में स्थित लोखंडवाला टाउनशिप में सत्संग परिवार द्वारा हर साल होने वाले कथा बड़े ही भव्य तरीके से इस क्षेत्र में की जाती है। इस साल भी राम कथा की शुरुआत सत्संग परिवार द्वारा की जा रही है, जहां पर कथावाचक श्री विजय कौशल जी महाराज के कमल हाथों और मधुर वाणी से इस कथा की शुरुआत हो चुकी है। वहीं श्री राम कथा की भव्य शोभायात्रा कांदिवली के लोखंडवाला में स्थित ग्रीन मीडोज से निकल गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में भक्तजन मौजूद रहे, जहां पर श्री राम के वनवास से लेकर के जनकपुर में आने तक की पूरी झांकियां इस शोभायात्रा में दिखाई गई। इतना ही नहीं, श्याम और राधा की भी जोड़ी इससे शोभायात्रा में एक मनमोहक दृश्य के रूप में नजर आया। इतना ही नहीं, प्रभु राम के प्यारे हनुमान की मनमोहन करने वाली नृत्य ने सभी का मन मोह लिया। सड़कों पर सभी भक्तों ने फूल पुष्प अर्पित करके इस शोभायात्रा को अपना प्यार दिया और इसको सफल बनाया। भाई, अगर बात करें इस रामकथा की, तो ये रामकथा 7 जनवरी से 15 जनवरी तक होने वाला है, जिसमें सबके प्रभु राम की जीवन कथा इस रामकथा में कथावाचक महाराज भागते को सुनाने वाले हैं। वहीं इस रामकथा के यजमान सुरेश अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए इस कथा के बारे में कुछ खास बातें बताए और कहा कि अब सत्संग परिवार की सिल्वर जूली हो चुकी है। बीते 25 सालों से सत्संग परिवार लोखंडवाला टाउनशिप में बेहतरीन काम करते आ रहा है और आगे भी कर राजेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से सत्संग परिवार बीते 2000 से अब तक जितने सत्संग इस लोकल टाउनशिप में करते रहे, बड़े बड़े साधु संत सत्संग में आते हैं, और आज के दिन जिस तरीके से महाराज जी आए हैं, क्या कुछ कितने दिन का 7 दिन का सत्संग होने वाला है? मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि दिन का होता है, क्या होते, क्या खास बात रही इस बार के सत्संग में और किस तरीके से मंडप और सभागृह बनाए गए? सबसे बड़ी बात यह, जैसे आपने राइटली बोला, सत्संग परिवार सत्संग परिवार सन 2000 में स्टार्ट हुआ और हम लोग कुछ लोग बैठ करके इसको स्टार्ट किए थे और हम लोग शुरू से इसके संस्थापक फाउंडर ट्रस्टी हैं। शुरू से मैंने एक खास बात देखी है सत्संग परिवार में कि जितने लोग इसमें जुड़े हैं, सारे निस्वार्थ भावना से तन मन और धन के साथ काम कर रहे हैं, और हर साल आप ये देखें कि हमेशा परोपकार का काम किया है। हमारा कभी भी ध्येय पैसा कमाना नहीं रहा है, हमारा शुरू से ध्येय रहा है सुविधा, ताकि हमारे टाउनशिप के लोगों को और टाउनशिप के आसपास के लोगों को मैक्सिमम सुविधा मिले, सत्संग के माध्यम से, मेडिकल के माध्यम से, यात्रा के माध्यम से, और किसी भी जो हमारे नेचुरल वे है उस माध्यम से। सत्संग बीते कितने साल से कर ही रहा है काम, आज की जो आपके यजमान है, आप यजमान हो आप, और जो आपकी कथा वाचक है, उनके बारे में कुछ बताइए। ये ईश्वर का बहुत बड़ी कृपा है कि सत्संग परिवार की जो पहली कथा थी उसमें मैं यजमान था। सत्संग परिवार के सारे ट्रस्टियों ने और सदस्यगण ने हमें बोला कि आप यजमान बने, और ये 25वां रजत जयंती है, इसमें भी सबका आग्रह था कि आप यजमान बने। ये हमारे लिए परमात्मा का एक आशीर्वाद है। जहाँ तक संत का सवाल है, बहुत अच्छे संत हैं विजय कौशल जी, और मैं ये बोलूँगा आज तक सत्संग परिवार ने जितने भी संत को लाए हैं उनका चयन टॉप ग्रेड है। आज स्वामी अवधेशानंद जी आए हैं, दयानंद जी आए, मैंने मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी का, लेकिन हर एक संत एक से बढ़कर एक है और लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया है। और आज भी कितने संत यहाँ पे पहली बार आए हैं बॉम्बे में, क्योंकि सत्संग परिवार ने लाया है। और आज मुंबई यात्रा काफी भव्य रहा, जहाँ पर अभी 22 तारीख को रामलला विराजने वाले में उसकी एक झलक लोकडाले में देखने को मिली। टाइम ऐसा हो गया है कि आज पूरा भारतवर्ष और भारतीय लोग राममय हो गए हैं, और चूंकि राममय हो गए हैं तो एक हमारी नजरिया थोड़ी सी अलग और ज्यादा हो गई है राम के प्रति, राममय के प्रति। हर साल शोभा यात्रा बहुत अच्छी होती है, इस साल भी एकदम अद्भुत हुई, लेकिन हमारे साथ में
हमारे माइंड के पीछे में इस बार अयोध्या, अयोध्या और श्री राम और श्री राम का मंदिर और हमारा हिंदुस्तान, हमारा राम, हमारा राम जन्मभूमि हर हिंदू के दिमाग में फूट फूट के भर गया है और जो कि हमारी बहुत बड़ी सफलता है।